नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज से मैं हूं राजा भैया पाल और मैं इस समय ग्वालियर महानगर में हूं, जहां पर ग्वालियर महानगर से कांग्रेस के प्रत्याशी महापौर के रूप में शोभा सतीश सकरवार हमारे साथ जुड़ रही हैं। बात करेंगे ग्वालियर महानगर में किस प्रकार की विकास उपलब्धि को लेकर वो चल रही हैं और किस तरीके से उनका कदम होगा। आपकी जन अदालत न्यूज में आपका स्वागत। धन्यवाद भैया जी। शोभा जी, जनता आपको देख रही है, सभी दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर के लिए आपके क्या सोच है? ग्वालियर के लिए, ग्वालियर का विकास ही मेरी प्राथमिकता है और ग्वालियर शहर में सबसे ज़्यादा जो समस्या मुझे देखने को मिल रही है वो पानी को लेकर है। लोगों के घरों में स्वच्छ पानी उपलब्ध नहीं जा रहा है, जो भी जा रहा है वो गंदा पानी है, सीवरयुक्त पानी है। तो अगर मुझे ग्वालियर की जनता महापौर के रूप में चुनती है तो सबसे पहली प्राथमिकता मेरी लोगों को स्वच्छ और साफ पानी दिलाना है। शोभा जी, आप भी एक महिला हैं और एक क्रांतिकारी महिला के रूप में जिस तरीके से आज आप पैदल चल चकर घर लोगों के घरों तक पहुंच रही हैं, एक महिलाओं की सुरक्षा को देखा जाए तो किस तरीके से आपकी सोच है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं पहले तो उनके लिए ग्वालियर शहर में जो भी प्रशिक्षण केंद्र हैं उनको लगवाऊंगी, जिससे वो लोग जूडो, कराटे, आत्म ये मार्शल आर्ट जैसे हुनर सीख सकें और पुलिस प्रशासन से दुआ कर मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाऊंगी जिससे महिला रात को भी स्वतंत्र होकर घूम सके। ग्वालियर के विकास को लेकर बात करें तो आपकी क्या सोच रही है? ग्वालियर को, ग्वालियर महानगर को एक देखा जाए, ग्वालियर विकास के नाम पर तो बहुत पिछड़ा हुआ है, क्योंकि जगह जगह सड़कें खुदी हुई हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और स्वच्छ जल लोगों को नहीं मिल रहा है। तो सबसे पहली प्राथमिकता पानी की रहेगी, उसके बाद मेरी जो दूसरी प्राथमिकता है वो सड़कों को लेकर रहेगी, क्योंकि जो भी सड़कों के लिए जो भी काम अभी जैसे बनती हैं फिर उनको खोद दिया जाता है, कभी सीवर लाइन के नाम पर, कभी नल के लाइन डालने के नाम पर, तो बार बार जो जनता का पैसा है वो व्यर्थ ना जाए, इसलिए मैं जो भी योजना बनाऊंगी पूरी क्रमबद्ध तरीके से बनाकर फिर उस चीज़ का मतलब सड़क का निर्माण करवाऊंगी जी। कमलनाथ जी ने आपको नियुक्त किया है तो कमलनाथ जी की तरफ से पूरे शहर की जनता के लिए आपका क्या मैसेज है? जनता के सर्वे के आधार पर ही मुझे कांग्रेस पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी और कमलनाथ जी के द्वारा टिकट दिया गया है, तो मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, अपनी पूरी जनता का भी धन्यवाद करती हूँ और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता और छोटे कार्यकर्ता का भी धन्यवाद करती हूँ। अदालत तीज के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इस समय हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी महापौर के रूप में शोभा, क्या संदेश है जनता? मैं जनता के लिए जो भी समस्या है उनके बीच जाकर उनका निराकरण करूंगी और जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूं कि आगामी 6 जुलाई को हाथ के पंजे के आगे का बटन दबाकर मुझे भारी मतों से आशीर्वाद दें और ग्वालियर के विकास में अपनी सहभागिता निभाएं। आपकी जनता न्यूज़ की लगातार कवरेज जारी है ग्वालियर महानगर में, जुड़े रहिए आपकी जनता न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एवरग्रीन कलर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रंग है तो जीवन है। Stay home, stay safe.